इन दिनों सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम जया किशोरी से जुड़ रहा है। दोनों की शादी की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि जब धीरेन्द्र शास्त्री से जया किशोरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि कभी भी उनकी मुलाकात जया किशोरी के साथ नहीं हुई है। एक इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो जया किशोरी को अपनी बहन की तरह देखते हैं। ऐसे में लोग जया किशोरी के बारे में जानने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में आपको जया किशोरी के बारे में बताते हैं। जया किशोरी मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली है। उनका जन्म 1996 में हुआ था। भजन गायिका और कथा वाचिका के तौर पर वो काफी लोकप्रिय है। जया किशोरी मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उनका असली नाम जया शर्मा है और उनके पिता का नाम शिव शंकर शर्मा जबकि माँ का नाम सोनिया शर्मा है। धर्म और लाइफ से जुड़े मुद्दे पर बात करने वाली जया किशोरी सोशल मीडिया में बेहद लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 47 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जबकि यूट्यूब पर 19 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। जया किशोरी की लोकप्रियता का असर ये है कि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं। कई फॉलोअर्स लगातार उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल कर चुके हैं। ऐसे में पिछले दिनों उनका नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जोड़ा गया था तो वो एक बार फिर चर्चा में आ गई और लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या सच में जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होगी। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें अपनी बहन कहकर चर्चा को हमेशा के लिए विराम दे दिया है। वहीं जया किशोरी ने अपनी शादी के बारे में कहा था कि अगर उनकी शादी कोलकाता के बाहर होती है तो वो शादी इस शर्त पे करेंगी कि उनके माता पिता उनके साथ रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।